असम उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार होने के साथ साथ सात बहनों का प्राण केंद्र भी है। देश के स्वप्न दृष्टा नेता, प्रगतिशील नायक और उत्तर पूर्व के विकास के लिए सदा प्रयासरत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में असम सरकार पिछले दिनों शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने में सफल हुई है। शिक्षा के विकास के माध्यम से देश का विकास। प्रधानमंत्री के इस स्वप्न और संकल्प से प्रेरित होकर असम सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नव जागरण लाने का सतत प्रयास कर रही है। कल्याणकारी केंद्र सरकार के 2020 की शिक्षा नीति के तहत दीर्घकालीन रोजगार मुखी सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अध्यायों का संयोजन किया गया है। 1955 में असम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के साथ असम में तकनीकी शिक्षा का इतिहास आरंभ हुआ। वर्तमान में राज्य के 21 इंजीनियरिंग कॉलेज असम की युवा पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा से लैस कर रही है। सरकार द्वारा स्थापित AEC, JEC, JIST, गोलाघाट इंजीनियरिंग कॉलेज, बराक वैली इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ केंद्र सरकार के IIT गुवाहाटी, NIT सिलचर, CIT कोकराझार तथा तेजपुर विश्वविद्यालय ने भी राज्य को समृद्ध किया है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में कई इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अग्रगामी सरकार के प्रयास के तहत ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के सहयोग से कई आधुनिक प्रकल्पों पर भी काम चल रहा है। इंजीनियरिंग शिक्षा के विकास की निरंतरता को बनाते हुए राज्य में 7वां इंजीनियरिंग कॉलेज धेमाजी में तैयार है। 44.98 करोड़ रुपए की लागत से बने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की बीटेक की डिग्री दी जाएगी। प्रत्येक स्ट्रीम में शिक्षार्थियों के लिए 60 सीटें उपलब्ध होंगी। देश को शैक्षणिक विकास के शिखर तक ले जाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के कर कमलों से इस इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ होगा और इसे मानव संपदा के प्रति समर्पित किया जाएगा। इस प्रयास के अन्यतम अंश के रूप में आज ही प्रधानमंत्री के कर कमलों से एक और इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। उत्तर पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में ख्याति प्राप्त सुआलकुची में स्थापित होगा ये इंजीनियरिंग कॉलेज। 54.71 करोड़ रुपए की लागत से 116 बीघा जमीन पर इसका निर्माण होगा। सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बीटेक डिग्री प्रदान की जाएगी। असम के शैक्षणिक इतिहास के लिए ये एक गौरवमय क्षण है। भावी पीढ़ी के विकास के मूल नायक, विकास का ध्वज फहराने वाले प्रगतिशील प्रधानमंत्री के कर कमलों से आरंभ होगी इस शिक्षा क्षेत्र की ये नई यात्रा। आइए इस प्रकाशमय इतिहास के स्वर्णिम क्षण का साक्षी बनें।